जैसे प्रश्न पूछा गया आपसे 5 sin² θ + 8 cos² θ का अधिकतम और न्यूनतम मान, मैक्सिमम और मिनिमम मान बताओ, तो थोड़ा सा हल करते हैं, बड़ा आसान सवाल है। जैसे मैंने कहा कि ये 5 sin² है, अच्छी बात है। 8 cos² को मैं 5 cos² और धन 3 cos² भी लिख सकता हूं। यहां पर मैं 5 कॉमन ले लेता हूं, वो कॉस पर डिपेंड करेगा। कॉस का मान टेबल से आप जानते हैं, देखिए तो कॉस का मान +1 से लेकर -1 तक होता है, 0 भी हो सकता है, क्या हो सकता है। तो अगर मैक्सिमम मान निकालना है तो हो सकता है कॉस का मान +1 हो, +1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है। तो अगर +1 है तो +1 का स्क्वायर, तो +1 का स्क्वायर तो +1 ही होता है। अगर -1 है तो भी -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, यानी मैक्सिमम मान तो आ जाएगा 5 √3, यानी कितना, 8। लेकिन बाई चांस कॉस का मान 0 है तो 0 का स्क्वायर तो 0 होता है, तो 3 × 0 = 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा मिनिमम मान 5 √3, 5 √0, क्योंकि 0 है ना, तो 0 का स्क्वायर 0, 3 × 0 = 0। तो अगर मैं मैक्सिमम मान की बात करूँ तो इसका 8 हो सकता है, और मिनिमम मान की बात करूँ तो इसका मान क्या हो सकता है, 5 हो सकता है। यानी इसे भी हल करने की जरूरत नहीं है। साइन कॉस अगर स्क्वायर में आते हैं तो इनके जो कोफिशिएंट होते हैं ए और बी, वही इनके मैक्सिमम और मिनिमम मान होते हैं। इनमें से जो बड़ा होता है वो मैक्सिमम हो जाता है, और जो छोटा होता है वही क्या होता है, मिनिमम हो जाता है। आपको तो बस याद रखना है क्या कि ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा के मिनिमम और मैक्सिमम ए और बी ही होते हैं। जो बड़ा होगा वो मैक्सिमम होगा, और जो छोटा होगा वो मिनिमम होगा।